वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नोएडा में हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी से श्रीकांत और महिला का गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद नोएडा की पोश सोसाइटी से महिला का गार्ड से बदसलूकी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। और अब एक और वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो नोएडा की सेक्टर 78 की हाइड पार्क सोसाइटी का है। इस वीडियो में एक महिला को एक महिला गार्ड के बालों को खींचते हुए और कम से कम दो अन्य गार्डों को थप्पड़ मारते देखा गया है। गार्डों की कथित मारपीट में दो महिलाएं भी जख्मी हो गई हैं। बता दें, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पद के चुनाव को लेकर विवाद निवासियों के दो समूहों के बीच हुआ था और गार्ड ने कथित तौर पर झड़प के दौरान उनमें से एक का पक्ष लिया। निवासियों ने गार्ड्स पर चुनाव में धांधली करने का आरोप भी लगाया है। वीडियो में दिख रहा है कि लाठियों से लैस कुछ गार्डों ने निवासियों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन झड़प जारी है। अपने जख्मी हाथ को दिखाते हुए एक महिला ने बताया, गार्ड अचानक आए और हमें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। हम यहाँ आम सभा की बैठक के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें बैठक करने से रोकने के लिए लाइट बंद कर दी। फिर उन्होंने फेंसिंग से रॉड्स निकाली और हम पर हमला कर दिया। और एक महिला के हाथ पर सूजन दिखाई दिया है। उसने कहा कि हाइड पार्क में गार्ड्स की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिकायत पर दो गार्डों को हिरासत में लिया गया है। देखिए नोएडा में हुई झड़प की वीडियो। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।